नमस्कार, मैं हूं तान्या तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज व्यूज। हम लगातार आपको बड़ी और खोजी खबरों से रूबरू कराते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हर समाज का आईना बनकर समाज के हक के लिए समाज की समस्याओं को सरकार और प्रशासन से रूबरू कराते रहें। इसी क्रम में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबरें। आइए जानते हैं क्या है वो खास खबर। गुड़िया कुटी विधानसभा क्षेत्र के एक कर्मठ युवा संजय सिंह की आज बिजली के करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि गुड़िया कुटी विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर थाना के परौली गांव के निवासी संजय सिंह का आज शौच जाने के क्रम में बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वो बिजली की चपेट में आने के बाद पहले गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद घर वालों और स्थानीय लोगों ने उन्हें स्थानीय बसंतपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां ना ही इंजेक्शन और ना ही दवा और ना ही ऑक्सीजन थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फंड में स्थानीय लोगों की मदद से सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं समाजसेवी धर्मवीर सिंह ने बताया कि स्थानीय किसी भी अस्पताल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आज उनके बीच एक कर्मठ युवा नहीं रहे और इसको लेकर उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया है। हालांकि संजय सिंह के मौत के बाद पूरे क्षेत्र में युवाओं के बीच शोक की लहर है और समाजसेवी धर्मवीर सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई बड़े कड़े सवाल उठाए हैं। ये अपना मेरे बड़े भैया है संजय कुमार सिंह, हम लोग बसंतपुर स्थानीय हॉस्पिटल में वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था, ना दवा था, ना इंजेक्शन था, ना ऑक्सीजन था, कोई सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं। इनको कैसे लाइन लगा है, कैसे किस तरह? वो जा रहे थे बाथरूम के समक्ष, उसी समय करंट फॉलो करके तो बाथरूम जा रहे थे। हाँ, जा रहे थे बारिश में, वहाँ से करंट फॉलो कर गए। कहाँ की घटना है? ये परौली पंचायत का है, परौली गाँव है, जेंटोला। क्या आप रखते हैं उनका? मैं उनके भाई हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हरिद्वार कुमार। अजी बताया जाए इनको कैसे लाइन लगा हुआ है? संजय जी परौली के निवासी हैं, आज सुबह उनको करंट लग गया। लेकिन सबसे दुखद बात ये रहा कि बसंतपुर और नबीगंज स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जो भी बातें कही जा रही है, विकास की बातें कही जा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ की बात कही जा रही है, मेडिकल कॉलेज की बात है, ये पूरी सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। क्योंकि जो भी पीड़ित व्यक्ति जा रहा है, आज गोरिया कोठी विधानसभा में 25 क्षेत्र बाढ़ से डूबा हुआ है, जहाँ पे लोगों का जल जनित संक्रमित बीमारियाँ हो रही हैं, सांप काट रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। शायद इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलता, जो यहाँ हम लोगों को चिकित्सक लोगों ने बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के इनको सुविधाएँ मिलती तो शायद संजय जी हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो हम सभी के मन में रोष है और इसके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाएँगे जी। तो अब क्या मांग करते हैं? बिल्कुल, जो भी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सिर्फ भवन के रूप में ना रहें, वो लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं, सिर्फ दिखाने के लिए ना रहें। और जो भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं, सरकार भी इस पर ध्यान दे। अपना नाम बताइए। धर्मवीर सिंह।